हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब इंटरनेशनल नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है, जी हाँ, हमेशा की तरह आज है दिन रविवार और मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ नई पुरानी सभी इंपॉर्टेंट भर्तियों की जानकारी। कौन सी वैकेंसी आप लोग की चल रही है, कौन सी वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैकेंसी आने वाली, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों से छूटे नहीं। जी हाँ, 6 विभागों में जो आप लोगों की बम्पर भर्तियां चल रही है 1 अगस्त से 30 अगस्त, जिसमें कि आप लोगों की लास्ट डेट रहने वाली है, तो जल्द से जल्द आप लोग इसके लिए अप्लाई करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, मेल फीमेल दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आप लोग की 5,846 वैकेंसी निकल चुकी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यदि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी का वीडियो बना रखा है। इसके अलावा इसके जो आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं इसका भी मैंने वीडियो बना के दे रखा है, और इसके अलावा जो भी आप लोग की प्रॉब्लम्स आ रही है उन पे भी वीडियो बनाया हुआ है। सभी वीडियो आप वन बाय वन देखेंगे, और आप लोग भी यदि इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे। अप्लाई जो इसमें आप लोग के हो रहे हैं SSC, जी हाँ, SSC की वेबसाइट से हो रहे हैं, तो SSC से ही आप लोग जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एग्जाम का नेम आप लोग को है दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020। पोस्ट जो इसमें आप लोग की रहने वाली, जी हाँ, कांस्टेबल की आप लोग की वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी निकली हुई है, काफी समय से इसके लिए वेट किया जा रहा था। 5,846 टोटल वैकेंसी निकली हुई है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है लेकिन ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई करेंगे, सभी प्रकार के आप लोग को बेनिफिट मिलने वाले हैं। एलिजिबिलिटी जिसमें मांगी गई है, ओनली और ओनली यदि आप लोग 12th पास हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्ट्रीम में, कोई साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से आप लोग ने कर रखा कोई दिक्कत नहीं है। कोई जो है आप लोग का यहाँ पे परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। एज जो है यहाँ पे आप लोग की मांगी गई है 18 से 25 साल। जी हाँ, एज काफी अच्छी कर दी गई है, और एज में आप लोग को छूट मिलेगी जैसा कि SC ST OBC को मिलता है 3 साल और 5 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। और जो आप लोग की एज काउंट होने वाली है 1 जुलाई 2020 को, तो ये बहुत ही अच्छा कर दिया है। जो 1 जुलाई 2020 को आप लोग की एज काउंट होगी तो जल्द से जल्द आप लोग देखेंगे आप लोग की एज इसके अंतर्गत आती है नहीं आती। फीस जो इसमें रखी गई है, जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट को 100 रुपए और SC ST फीमेल कैंडिडेट को कोई फीस नहीं पे करनी है। जी हाँ, जब भी आप लोग SSC की वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तो आप लोग की यही फीस रहती है। जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट को ओनली और ओनली 100 रुपए पे करने होते हैं। अप्लाई डेट जो इसमें आप लोग की 1 अगस्त 2020 से इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट इसकी 7 सितंबर 2020 रहने वाली है। इसके अलावा जो है SSC ने इसके एग्जाम के बारे में भी डिक्लेयर कर दिया है। इसमें सबसे पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला है जो कि SSC ही कंडक्ट करेंगे, तो SSC ने अपने एग्जाम की डेट यहां पे बता दी है। इसके बाद आप लोग का फिजिकल होगा, फिजिकल दिल्ली पुलिस लेगी, मेडिकल इसके बाद वो भी आप लोग का जो है दिल्ली पुलिस लेने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग को SSC ने जो आप लोग की एग्जाम की डेट के बारे में बता दिया है, 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच जो है आप लोग के इसके रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं। आप लोग के कंप्यूटर बेस्ड जो है आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, और ऑल ओवर इंडिया से आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न की जानकारी मैं आप लोग को अपने आने वाले वीडियोस में दूंगा, और इसमें आप लोग का जो फिजिकल होने वाला है ये आप लोग का 1600 मीटर की मात्र इसमें आप लोग की रेस होगी, और इसके अलावा आप लोग का लॉन्ग जम्प 14 फीट और हाई जम्प आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। मेल 170 सेंटीमीटर हाइट और इसके अलावा फीमेल 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। तो बाकी की डिटेल आप लोग को मेरे वीडियोस से मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को देखिए और पूरी जानकारी लीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर जो कि निकल के आ रही है MP जेल प्रहरी से। जी हाँ, MP जेल प्रहरी में आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है। एग्जाम का नेम है आप लोग का MP जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2020। पोस्ट इसमें आप लोग की जेल प्रहरी की है। वैकेंसी काफी अच्छी है, 282 वैकेंसी है, और ये मत सोचिए MP जेल प्रहरी जो आप लोग की MP की वैकेंसी, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आप लोग को उसी वैकेंसी की जानकारी देता हूँ अधिकतर जिसमें कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और सभी को जो है बेनिफिट मिले। एलिजिबिलिटी ओनली और ओनली आप लोग 12th पास होने चाहिए, कोई स्ट्रीम नहीं, आर्ट कॉमर्स साइंस किसी से भी आप लोगों ने कर रखा हो। एज जो इसमें आप लोग की 18 से 33 साल मेल कैंडिडेट, बहुत ही अच्छी एज करती है।
और यदि आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप लोग को जनरल में काउंट किया जाएगा और आप लोग की एज जो है यहाँ पे 18 से 33 साल ही रहने वाली है। आप लोग को कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो 18 से 38 साल आप लोग की एज रहने वाली है और यदि आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप लोग की एज 18 से 38 साल ही रहेगी। इसके अलावा यदि आप लोग एमपी के कैंडिडेट है तो आप लोग को ओबीसी एससी एसटी को 3 और 5 साल का जैसे बेनिफिट मिलता है, इस एज में आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट भी मिलेगा। फीस इसमें जो रहने वाली है, यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं और इसके अलावा अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 500 रुपए पे करने हैं और यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी हैं एमपी के तो आप लोग को 200 रुपए यहाँ पे करने होंगे। अप्लाई जो है इसके 27 जुलाई 2020 से हो चुके हैं, ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। लास्ट डेट जो इसमें आप लोग की रहने वाली 10 अगस्त 2020 रहने वाली है, तो जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट काफी नजदीक है। एग्जाम जो इसके नवंबर में बता दिए गए हैं। एग्जाम के बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो इसमें जो है रिटर्न होगा सबसे पहले, इसके बाद आप लोग का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जो है आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बार आप लोग जरूर दीजिए। देखिए इस वीडियो को, मैंने उसका लिंक आप लोग को दे दिया है। चलिए इसके बाद जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की इंडियन आर्मी से। जी हाँ, इंडियन आर्मी से बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। एग्जाम का नेम है आप लोगों का वुमेन मिलिट्री पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 वुमेन कैंडिडेट। जी हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो इंडियन आर्मी निकालती रहती है टाइम टाइम पे। जी हाँ, इस बार जो आप लोग की ये वैकेंसी निकली है, पोस्ट इसमें आप लोग की रहने वाली है सोल्जर जीडी की और रिक्रूटमेंट 2020। जी हाँ, आप लोग की वैकेंसी काफी अच्छी है, 99 आप लोग की वैकेंसी है और इसमें जो आप लोग की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है और मांगी गई है 10th पास आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 45% आप लोग के जो है एग्रीगेट मार्क्स होने ही चाहिए। एज इसमें आप लोग को जो है 17.5 से आप लोग जो है 21 साल के बीच में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फीस आप लोग की यहाँ पे कोई लगने वाली नहीं। अप्लाई जो है इसके 27 जुलाई 2020 से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं। ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आप लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसमें जो आप लोग 31 अगस्त 2020 रहने वाली है, तो लास्ट डेट में अभी टाइम है। बट यदि आप लोग की एज इसमें है और क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आप लोग की है, तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। एग्जाम के बारे में बताया नहीं गया, इसमें आप लोग का फिजिकल मेडिकल और यहाँ पे आप लोग का रिटर्न के बेस पे आप लोग का जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोग फॉर्म भरे जाएंगे आप लोग के 10th के मार्क्स के बेस में, आप लोग के डॉक्यूमेंट्स की जो स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर आप लोग को जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल होगा आप लोग का रैली साइट पे, मेडिकल होगा, इसके बाद आप लोग को जो है रिटर्न एग्जाम के बारे में बताया जाएगा। उस दिन आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला है। परसेंटेज इसमें जो आप लोग की 10th में जो आप लोग की स्क्रीनिंग होती है, परसेंटेज बेस पे परसेंटेज काफी अच्छी खासी रहती है, जिसकी जानकारी मैं आप लोग को आने वाले वीडियोस में दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोगों की सीआरपीएफ। जी हाँ, काफी अच्छी वैकेंसी है और पिछली बार भी मैंने आप लोग को इसकी डिटेल दी थी, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है और किसी भी मेरे स्टूडेंट से ये वैकेंसी छूटे नहीं, इसलिए मैं वैकेंसी को आप लोग को दोबारा बताने वाला हूँ। एग्जाम का नेम है आप लोग का पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2020। जी हाँ, सीआरपीएफ के पैरामेडिकल स्टाफ में आप लोग की जो है रिक्रूटमेंट निकली हुई है। रिक्रूटमेंट जो आप लोग की है, पोस्ट इसमें इंस्पेक्टर की है, सब इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है, हेड कॉन्स्टेबल की है, कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसी आप लोग की 789 है, इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, आप लोग 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के पास होना चाहिए 12th प्लस डिप्लोमा या फिर आप लोगों ने कर रखा है बीएससी। पूरी जानकारी के आप लोग को मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका कि लिंक मैंने आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग उस वीडियो को देख के पूरी जानकारी ले सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा आप लोग की एज जो है 18 से 23 साल होनी चाहिए, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 साल, कुछ पोस्टों के लिए 20 से 25 साल ही रहने वाली है और एज में आप लोग को छूट मिलेगी, जैसा कि एससी एसटी ओबीसी को 5 साल और 3 साल की मिलती है। फीस इसमें आप लोग की जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट है तो आप लोग को मात्र 100 रुपए पे करने हैं और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग यहाँ पे कोई फी पे नहीं करनी है। जी हाँ, जो आप लोग की फी पे होगी ये आप लोग की जो है पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट से होगी। पोस्टल ऑर्डर आप लोग पोस्ट ऑफिस से बनाएंगे और डिमांड ड्राफ्ट आप लोग बैंक से बनाएंगे। पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऑफलाइन अप्लाई चल रहे हैं और इसके ऑफलाइन अप्लाई का मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप लोग देखिए, आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अप्लाई डेट 20 जुलाई 2020 से इसके ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं, लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली 31 अगस्त 2020 रहने वाली, लास्ट डेट में टाइम है। बट
ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा जल्द से जल्द आप लोग जो है फॉर्म को भर के भेजिए, क्योंकि इस वक्त जो है काफी प्रॉब्लम चल रही है कंट्री में और जो डाक है उसमें आप लोग की देरी हो सकती है। तो इस वजह से आप लोग जो है जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कीजिए यदि आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया, और जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई फॉर्म को भेजिए। एग्जामिनेशन डेट के बारे में बता दिया गया है आप लोग का, दिसंबर में जो है आप लोग का इसका एग्जाम होने वाला है फिजिकल। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग का फिजिकल होने वाला है, इसके बाद आप लोग को रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न यदि आप लोग क्वालिफाई करते हैं आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद जो है आप लोग का इसमें यहाँ पे मेडिकल होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का फिजिकल होता है, फिजिकल के साथ आप लोग का ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आप लोग का रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद आप लोग को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो यदि आप लोग मेडिकल भी आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग को जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है उसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग होती है। ऑफलाइन अप्लाई चल रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। यदि आप लोग भी 10th पास है, 12th पास है, डिप्लोमा कर रखा है और बीएससी कर रखा है तो आप लोग जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी जो आप लोग की निकल के आ रही है वो है आप लोग की ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, ये आप लोग की वैकेंसी है। एग्जाम का नेम है आप लोग का ONGC रिक्रूटमेंट 2020। तो ONGC में आप लोग की जो वैकेंसी निकली हुई है ये है आप लोग की ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस 2000 रिक्रूटमेंट 2020 में आप लोग की जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है ट्रेड और इसमें आप लोग की टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, तो यदि आप लोगों ने पहले अप्रेंटिस नहीं कर रखी है तो आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। वैकेंसी 4182 है। एलिजिबिलिटी जो इसमें मांगी गई है बीए बीएससी बीकॉम यदि आप लोग टेक्नीशियन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इसके अलावा आप लोग कोई ITI भी यहाँ पे मांगी गई है आप लोग जो है ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं ITI बेस पे। जी हाँ, और आप लोग डिप्लोमा बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे वीडियोस में मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने आप लोग को दे रखा है किस पोस्ट के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी पोस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। एज वेस में आप लोग के 18 से 24 साल रखी गई है और एज में यहाँ पे आप लोग को छूट भी मिल रही है, जैसा कि SST OBC को यहाँ पे मिलती है 5 साल और 3 साल की फीस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अप्लाई जो इसके आप लोग के 29 जुलाई 2020 से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट इसकी आप लोग की 17 अगस्त 2020 रहने वाली है। तो आप लोग भी यदि अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी, करना चाहते तो लास्ट डेट से पहले आप लोग जरूर अप्लाई कर दीजिए। एग्जाम के बारे में भी बताया नहीं गया, यहाँ पे जो आप लोग का सिलेक्शन होता है ये आप लोग का होता है जो मेरिट के बेस पे। जी आप लोग की मेरिट देखी जाती है, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो या फिर आप लोग की ट्रेड अप्रेंटिस हो, दोनों में ही आप लोग की जो यहाँ पे मेरिट देखी जाती है 10th बेस पे या फिर बीए बीएससी बीकॉम डिप्लोमा, जिस पोस्ट के लिए आप लोग जैसे अप्लाई कर रहे हैं उसकी मेरिट बनती है। ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल के आ रही है वो है आप लोग की बैंक ऑफ इंडिया से। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। एग्जाम का नेम है आप लोग का BOI रिक्रूटमेंट 2020। पोस्ट है आप लोग की क्लर्क और जनरल बैंकिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट। जी हाँ, इसमें आप लोग की क्लर्क की वैकेंसी है और इसके अलावा जनरल बैंकिंग स्टाफ यानी कि इसमें ऑफिसर्स की भी इसमें वैकेंसी निकली हुई। टोटल वैकेंसी इसमें आप लोग की 28 है, 14 पोस्ट यहाँ पे क्लर्क की है, 14 जो है यहाँ पे आप लोग की जनरल बैंकिंग स्टाफ की है। एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है 10th पास यदि आप लोग क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यदि आप लोग जनरल बैंकिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन ये जो वैकेंसी है आप लोग की स्पोर्ट्स कोटा की। जी हाँ, आप लोग ने जो स्पोर्ट्स कर रखा हो, चाहे आप लोग का वो स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल हो, पूरी जानकारी आप लोग को जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने इसके जो नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है आप लोग उसे पढ़ लेंगे। एज जो इसमें आप लोग के 18 से 25 साल रहने वाली है, एज में आप लोग को छूट मिलेगी जैसे कि SST OBC को मिलती है 3 साल और 5 साल की। तो ये वैकेंसी जो है आप लोग की स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए है। फीस जो इसमें आप लोग की SC ST PW को 50 रुपए और जनरल एंड अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पे 250 रुपए पे करने। अप्लाई जो इसमें आप लोग की 8 अगस्त 2020 से, जी 8 अगस्त 2020 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। लास्ट डेट जो इसमें आप लोग की 16 अगस्त 2020 रहने वाली है। तो यदि आप लोग भी स्पोर्ट्स क्वालिफाइड हैं तो आप लोग जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। नेशनल इंटरनेशनल स्टेट लेवल आप लोगों ने गेम खेल रखा तो जरूर आप लोग अप्लाई कीजिए। एग्जाम का नेम, एग्जाम डेट के बारे में बताया नहीं गया। इंटरव्यू या फिर आप लोग का स्पोर्ट्स ट्रायल वगैरह होगा, उसके बेस पे आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। कोई इंटरव्यू कुछ नहीं है यहाँ पे आप लोग का। जी हाँ, ओनली और ओनली ट्रायल बेस पे या फिर आप लोग का इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। ऑनलाइन अप्लाई होंगे और इसमें ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट इस वक्त चल रही है बहुत ही अच्छी वैकेंसियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसियां, तो आप लोग एक वन बाय वन सभी वैकेंसियां देखेंगे और जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को सभी वैकेंसी की जानकारी दूंगा। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी लिंक दे रखे हैं, आप लोग सभी वीडियो देखिए, कोई दिक्कत आप लोग को आने वाली नहीं है। बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त होते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट संडे इसी प्रकार। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।